रामायण के शुरुआती दौर पे जब राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति नहीं होता और राजा दशरथ अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि महाराज हमारे पूरी की पूरी राज्य में सब कुछ है, हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, लेकिन हमारे पास पुत्र नहीं है और इससे हमारा वंश आगे नहीं बढ़ सकता, क्या किया जाए इसके लिए। उस समय वशिष्ठ राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति यज्ञ के लिए प्रेरित करते हैं। इस यज्ञ के लिए जब राजा तैयार होते हैं तो वशिष्ठ जी कहते हैं ये यज्ञ मैं नहीं करा सकता, आपको श्रृंग मुनि के आश्रम जाना होगा और श्रृंग मुनि ही इस यज्ञ को संपन्न करा सकते हैं। उस वक्त राजा दशरथ तैयार हुए और वहीं से एक बहुत बड़ी लर्निंग मिलती है। कैकेयी माता ने कहा ठीक है महाराज, आप जाना चाहते हैं आप जाइए, आपके लिए सारे हाथी घोड़े और आदि सेनाओं का प्रबंध हम करते हैं ताकि आप अपने पूरी राज ठाठ के साथ जाइए और श्रृंग मुनि से रिक्वेस्ट कीजिए और मांगिए, उनसे पुत्र प्राप्ति यज्ञ के लिए कहिए। यहाँ पर एक बहुत शानदार उपदेश मिलता है, बहुत बड़ी लर्निंग मिलती है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि महाराज जब कोई याचक किसी के पास अपनी याचना लेकर जाता है उस समय वो किसी के सामने अपने राजठाट का प्रदर्शन नहीं करता। एक याचक क्या होता है, कैसे याचना करता है, इसके बारे में वशिष्ठ जी ने उनको क्लियर किया कि जब आप याचक की भांति जा रहे हैं उस समय घोड़े हाथी और अपने धन का वहां पे प्रदर्शन नहीं करना है, आपको एक याचक के तरीके से जाना है। आप श्रृंग मुनि के आश्रम पैदल जाइए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, एक याचक के भांति बताइए, मनाइए, उनको समझाइए कि वो आपकी सहायता करें। एक याचक जब भी आपके दरवाजे आता है तो याचक का एक यही नियम होता है, एक यही सिस्टम होता है। आप भी जिंदगी में जब किसी के पास जाएं अपने लिए कुछ मांगने के लिए, अपने लिए कुछ चीज़ों की उपेक्षा, कुछ कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट के लिए, तो आप भी याचक की भूमिका कभी मत भूलिएगा। अपने ज्ञान का, अपनी चीज़ों का प्रदर्शन करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अपनी चीज़ों से सामने वाले को बताना, चीज़ों को समझाना, ये एक बहुत अलग मुद्दा है। तो याचक की एक अच्छी महानता, एक अच्छे गुण के बारे में यहाँ से लर्निंग मिलती है और यही किया भी राजा दशरथ ने। एक याचक की भांति नंगे पांव श्रृंग मुनि के आश्रम गए और उन्हें बताया, उन्हें मनाकर अपने यहाँ पर लाया और यज्ञ संपन्न करवाया। ऋषि वशिष्ठ ने यहाँ पर यह भी समझाया था कि राजा दान खाली झोली में डाली जाती है, भरी झोली में दान कैसे कोई डाल सकता है। आप अपनी झोली अगर भरी हुई लेकर जाएंगे श्रृंग मुनि के आश्रम में तो वहां पर श्रृंग मुनि आपको दान नहीं दे सकते, वहां पे आपकी याचना को संपन्न नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप अपनी खाली झोली, आप अकेले और नंगे पांव राजा के समक्ष अपनी याचना लेकर जाएंगे तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे, डेफिनेटली वो आपके